ये जो आप एयरक्राफ्ट के पार्ट्स देख रहे हैं, ये सब पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हैं जो कि हमारे भारत के वीर जवानों ने इनको गिराया हुआ है। हेलो गाइस, कैसे हैं? होप कि सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं आज जा रहा हूं एयरफोर्स म्यूज़ियम, आपको एयरफोर्स म्यूज़ियम दिल्ली पालम उसको घुमाने वाला हूं मैं। और ये म्यूज़ियम बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पुराने पुराने एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं एयरफोर्स के। यहाँ पर लड़ाई में जो इस्तेमाल हुए थे वो भी एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं। प्लस यहाँ पर एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि पाकिस्तान का है। जी हाँ दोस्तों, हम सही सुना, एक पाकिस्तान का ऐसा एयरक्राफ्ट जिसे हमारे एयरफोर्स के जवान ने मार गिराया था। तो उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, यह है बोर एयरफोर्स म्यूज़ियम का और यह है पालम का रास्ता। यहाँ से हम पालम की तरफ से आते हैं और ये एयरपोर्ट की तरफ से आने का रास्ता है और यह है एंट्री। चलिए एंटर करते हैं। तो गाइस, अभी एंटर कर रहे हैं हम लोग एयरफोर्स म्यूज़ियम की तरफ। ये युद्ध समाधि है और यह है लुक एयरफोर्स म्यूज़ियम का। यहाँ पे देखिए ईगल बना हुआ है, यहाँ से टिकट मिलती है। तो गाइस, ये है टिकट ले लिया हमने, अभी एंटर करते हैं। एंटर करते ही सामने देखिए एयरक्राफ्ट्स की बहार है। ये हेलो है हेलीकॉप्टर चॉपर की पंखड़ी यहाँ तक टच हो रही है। ये कैनबरा है जिसे यूके में मैन्युफैक्चर किया गया था। इसको एयरफोर्स में लिया गया 1957 में और जिसमें दो सीट होती है बैठने के लिए। काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट है ये भी। इसमें रॉयल्स के इंजन लगा रखे हैं दोस्तों और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 890 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो भाई लोग, ये देखिए आप, ये सामने की तरफ ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें सामने ऊपर गन लगी हुई है, ठीक है, और वो ऊपर नीचे होती है ताकि जहाँ पर आपको डायरेक्शन उस तरह से मार सके। थोड़ा यूनिक है, मैंने भी इस टाइप का कभी देखा नहीं है एयरक्राफ्ट। अभी मैं जा रहा हूँ हैंगर में दिखाता हूँ क्या है इसके अंदर। फोर्ड सलून कार 1967 मॉडल है, एयरफोर्स वन, HF मारुत 1967 से 1983, देशभक्ति की फीलिंग आ रही दोस्तों, शायद आपको भी आ रही होगी वीडियो देख के। तो भाई लोग, ये है हॉकर हंटर, पीरियड ऑफ ऑपरेशन 1957 और इसका भी इंजन दोस्तों रॉयल्स का है, जो सिंगल इंजन है। इसके अंदर रॉयल्स का इंजन है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 1150 किलोमीटर पर आवर, सुपरसोनिक विद सोलो डाइव। यह है डीवी हैविलैंड वैम्पायर, डसॉल्ट ओरेगन है, तूफानी। इसे भी फ्रांस से मंगाया गया था जिसे 1953 से 1967 तक यूज़ में लिया गया है। सिंगल सीटर है ये, एक ही पायलट बैठ सकता है इसके अंदर। ये कृषक है दोस्तों जिसे 1965 से 1977 तक यूज़ में लिया गया। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 210 किलोमीटर पर आवर और रेंज है 805 किलोमीटर। दोस्तों, ये है मिस्टर MK4A, 1957 से 1976 तक इसको यूज़ में लिया गया। ये हमने फ्रांस से लिया था। ये भी सिंगल सीटर है, इसमें एक ही आदमी एक ही पायलट बैठ सकता है इसके अंदर। ये स्पिटफायर है, यूके से इंपोर्ट किया गया था इसे 1944 से 1957।
में से यूज में लिया गया है, पर इसमें भी रॉयल सर्विस का इंजन लगा हुआ है 1760 हॉर्स पावर का। गाइस ये है MiG-21, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 2070 किलोमीटर पर आवर और ये जा सकता है 1800 किलोमीटर तक एक बार फ्यूल भरने पर। सुकोई, गाइस ये है सुकोई एयरक्राफ्ट। ये देखिए ये जो बना हुआ ना, ये जो ये नॉब है, ये नॉब ये फ्यूल भरने के लिए होता है, एयर टू एयर फ्यूल रिफिलिंग उसके लिए होता है। ये सुकोई है, ये सुकोई के बारे में बता देते हैं। ये USSR का है, इसे 1968 से 1986 तक यूज़ में लिया गया। गाइस ये जो आप सामने जो देख रहे हैं सुकोई 7 का पिछला भाग है, जिसे पाकिस्तान के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट था 1971 में, उस टाइम इसे जो एंटी एयरक्राफ्ट गन होती है उसने इसको गिराया था। इसमें विंग कमांडर HS मंगट इजेक्शन सीट के जरिए बाहर आ गए थे। ये उसका पार्ट है, बैक साइड का पार्ट है। ये वाला एयरक्राफ्ट देखिए दोस्तों, ये तो बहुत पुराना लग रहा है। 1942, सही बता रहा मैंने, बहुत पुराना है ये। 1933 से 1942 ये है वापिती एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड है 225 किलोमीटर पर आवर की और जो ये रेंज है ये 580 रेंज तक किलोमीटर तक जा सकता है। उसके बाद ये है लाइसेंडर, जिसे UK वेस्टलैंड में बनाया गया था और इसकी स्पीड है 368 किलोमीटर पर आवर की। ये 965 किलोमीटर तक जा सकता है एक बार फ्यूल भरने पर। ये टेम्पेस्ट है, जिसे 1946 से 1955 के बीच में यूज़ किया गया। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 708 किलोमीटर पर आवर की है और जो रेंज है वो है 1247 किलोमीटर की। तो गाइस यहाँ से व्यू देखिए आप, मैं अभी ऊपर चढ़ा हुआ हूँ। ये देखिए रेलिंग है और यहाँ से पूरा का पूरा हैंगर का व्यू। इतने सारे एयरक्राफ्ट यहाँ पर रखे हुए हैं। ये हॉकर हरिकन है, जिसे 1942 से 1945 के बीच में यूज़ में लिया गया था। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 340 किलोमीटर पर आवर की और जो रेंज है 460 माइल्स की है। अगर आप भी ओल्ड एयरक्राफ्ट्स देखने के शौकीन हैं तो यहाँ पर जरूर आइए, खासकर फौज के एयरक्राफ्ट्स। यह है हमारे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह। अपोलो लूनार मॉड्यूल है ये, एस्ट्रोनॉट चढ़ते हुए। तो गाइज ये था टूर यहाँ का, इसके अंदर का पूरा टूर मैंने करा दिया है, अभी बाहर की तरफ चलते हैं। गाइज ये MiG-25 है, जिसे रशिया से लिया गया था और दूर से बहुत छोटे लगते हैं लेकिन सामने से सच बताओ दोस्तों बहुत बड़े हैं। ये अभी भी कैमरे में पूरे नहीं आ रहा। ये 1981 से 2006 तक इसे यूज़ में लिया गया, एक सेल्फी तो बनती साथ में। ये इंडियन एयरफोर्स का पैसेंजर प्लेन, पैसेंजर को शिफ्ट करने के लिए। इसमें तो हमने मोस्टली कई बार अपने CM, PM सबको जाते हुए देखा है। ये है पैसेंजर एयरक्राफ्ट, पैसेंजर एयरक्राफ्ट है ये भी, पैसेंजर टाइप का ही लग रहा है लेकिन काफ़ी पुराना है ये। आजकल इस टाइप के एयरक्राफ्ट को यूज़ में लिया नहीं जाता। ये है USA का, ये USA मैन्युफैक्चर है, इसका नाम है पैकेट, जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 476 किलोमीटर पर आवर। ये एयरक्राफ्ट 24,000 फीट पर उड़ सकता है और ये 3,218 किलोमीटर एक बार में कवर कर सकता है दोस्तों। और ये 1953 से 1986 तक यूज़ में लिया गया।
गाइस तो अभी एक और गैलरी है, ये देखिए सामने, जहाँ पर एक बहुत ही खास चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको मैं। ये पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट का पार्ट है, देखिए इसमें पाकिस्तान झंडा बना हुआ है। ये जीप है एयर बैटल लॉन्गे वाला। ये जो आप एयरक्राफ्ट के पार्ट्स देख रहे हैं, ये सब पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हैं जो कि हमारे भारत के वीर जवानों ने इनको गिराया हुआ है। ये देखिए, ये सबरे जेट एयरक्राफ्ट है, उसका टेल है। ये सब मिसाइल सब उन्हीं की है। वो छोड़िए, ये जो टैंक देख रहे हैं आप, ये टैंक भी पाकिस्तान का ही है, जो इंडो पाक वार में 1971 में हुआ था, उस टाइम इसे लाया गया था। ये सब पाकिस्तान का है। ये भी गाड़ियाँ पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की जीप है ये, वो भी पाकिस्तान की है। गाइस तो ये है चॉपर S-55, 1954 से 1966 तक से यूज़ में लिया गया। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर की, और जो रेंज है वो है 579 किलोमीटर का। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ गैलरी के अंदर, यह है गैलरी। ये 1937 की पोशाक है। ये ट्रॉफीज है कुछ यहाँ पर। यूनिफॉर्म ऑफ एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह। ये फ्लैग एयरफोर्स का, ट्रेनिंग स्क्वाड्रंस, ट्रेनिंग के जो एयरक्राफ्ट होते हैं। इसके बाद ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड वर्ल्ड वॉर टू ऑपरेशन, 1965 का ऑपरेशन का दिया हुआ है इसके अंदर। सेरेमोनियल्स की फ़ोटोज़ हैं। इसके बाद ये कैमरा है, एयरक्राफ्ट गन कैमरा। ये एयरक्राफ्ट गन कैमरे हैं दोस्तों। एयर कैमरा, ये एयर कैमरा है, ऐसे होते हैं एयर कैमरेज। ये इंजन का पार्ट है। ये सब रैंक के इंस्ट्रक्टर्स हैं, रैंक में कौन कौन से बैच लगते हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी गाड़ियों में कौन कौन से फ्लैग लगते हैं, ये उसका यहाँ पर डेमो दिया हुआ है। 1962 ऑपरेशन, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मॉडल बनाया हुआ है यहाँ पर। तो गाइस ये थी पूरी यहाँ की गैलरी, और यहाँ वॉशरूम है, अगर किसी को लघु शंका है तो जा भी सकता है। बाकी बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इस एयरफोर्स म्यूज़ियम को, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आना तो ज़रूर आइए। तो गाइस ये है यहाँ की सुवेनियर शॉप, अगर आप यहाँ पर आए तो यहाँ से कुछ अपना सुवेनियर भी ले सकते हैं यादगार के लिए कि आप एयरफोर्स म्यूजियम आए थे। ये तो सब कोस्टर है। ये कीचेन्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर कैफेटेरिया भी है, लॉन्ग वे लॉन्च। तो गाइस ये था यहाँ का पूरा टूर, होप कि आपने भी मेरे साथ ये पूरा टूर कंप्लीट कर लिया होगा। एक बार आना तो ज़रूर बनता है। होप कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके डाटा, बाय बाय।